सांगवी डांस सेंटर की ओर से कोलकाता के कला मंदिर में 10वें वार्षिक कार्यक्रम सांगवी मोमेंट्स 2023 का भव्य आयोजन। सांगवी मोमेंट्स के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हुए ममता बिनानी सीएस सलाहकार एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम पश्चिम बंगाल चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर गरिमा अग्रवाल भारत गौरव रत्न और ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स धारक हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करने वाले श्री गगन सचदेव बॉडीलाइन के मालिक श्री आशीष मित्तल निदेशक गोल्डन ट्यूलिप होटल श्रीमती संगीता भुवालका सांगवी नृत्य केंद्र की निदेशक और श्रीमती विनीता मजीठिया सांगवी डांस सेंटर की निदेशक के अलावा कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां इसमें शामिल थे। सांगवी डांस सेंटर कोलकाता की प्रमुख नृत्य अकादमी है। इनके पास नृत्य और फिटनेस क्षेत्र में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट हमारा मीडिया। So we have Gagan sir is always very energetic, sir, what do you have to say? Mr. Gagan Sachdev sir, if you're here, please come up on stage. And the backbone of this Sangeet Moments this time, you can say, the director of MAP 5, Ashish Bhaiya, please come up on stage. Mr. Vivek Agarwal, sir, please come up on stage. Thank you so much. Please, moving on. बहुत ही खुश हूँ इस तरह के इवेंट्स को देखकर। कलकत्ते शहर में ऐसे भी टैलेंट की भरमार है। कहा जाता है कल्चर सॉन्ग म्यूजिक डांस कलकत्ता इज़ द हब। व्हेन वी सी कि कलकत्ता में इस तरह की टैलेंट उभर के आ रही है और मैं इन्हें 2000 साल से देख रही हूँ। जब इनका बर्थ हुआ था तब से मैं इन्हें पहचानती हूँ, इन्हें देखती हूँ। कहाँ से कहाँ इनकी जर्नी रही है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, दो जन मिलके महिलाएं इस जगह पर इस मुकाम पर पहुँचे हैं, वो भी हमारे सिटी ऑफ जॉय में, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं डांस और म्यूज़िक कहा जाता है कि हमारे कल्चर और हमारे समृद्धि को बना कर रखता है। उसी हिसाब से मैं ये कहूँगी कि इस तरह के सेंटर्स और खुलने चाहिए और इनके समृद्धि पे मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, इनके परिवार को भी। और मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं हर परिवार कलकत्ते में कोई ना कोई तरीके से यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि डांस एकेडमी और चार चगुना बढ़े, यही मेरी कामना है। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो उन्हें यही कहूँगी कि डांस एक तरह, जो डांस करता है, मैंने उन्हें देखा है, उन्हें कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। डांस और म्यूज़िक एक माध्यम है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सब बच्चों को यही कहूँगी कि इसमें लीन रहो, पढ़ाई भी करो पर डांस को भी उतनी अहमियत दो। डॉक्टर्स डे के लिए तो हर आदमी यही कहेगा कि उन्हें सल्यूट है, वो हमारे कंट्री को बनाए हैं। कोविड में जो उनका योगदान रहा हम सबके सामने है, डॉक्टर्स डे के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर गरिमा अग्रवाल एंड आई एम रियली वेरी डिलाइटेड एंड हैप्पी टू वॉच संगवी लाइव आफ्टर 2 ईयर्स। इट इज़ सच अ प्लेजर वॉचिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट।
just like Natraja's on stage, and it's a very happy moment for all of us. And yes, we are here to celebrate. All my best wishes, blessings to the great Sangvi troupe. Thank you so much. और आपको जो भारत रत्न अवार्ड मिला है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? Okay, so it was honor which was given to me by the government of India for the spiritual innovation in healing, and I'm what should I say? I'm really blessed to share my blessings and my energies and positive healing here on stage with Sangvi. Thank you so much for inviting me. It was really awesome and it was an honor. Thank you. और आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे अपने लाइफ में? मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी सबसे अच्छा तरीका है टू कनेक्ट विद द ब्लिस ऑफ गॉड, एंड बी इट एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, इट एग्जॉल्स यू, इट क्लेंज योर स्पिरिचुअल सबकॉन्शियस माइंड, एंड यू शुड ऑलवेज आइदर बाई सिंगिंग और डांसिंग परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ वट एवर स्किल्स यू हैव, यू शुड ऑलवेज शो इट अप. इफ नॉट शोइंग इट अप देन personally you should perform it. It is equivalent to like a meditation in itself. So watching here all the Natrajas on stage is almost like a meditation for me. Thank you. ये हर दो साल में होता है और ये सांगवी मोमेंट्स हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है और एक सेलिब्रेशन का माहौल है, जहाँ आप देख रहे होंगे कि कितने छोटे से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे सारे मिल करके इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं. इतनी मेहनत की है इन्होंने और ये जो आज स्टेज पे परफॉर्म करने का जो मौका इन बच्चों को मिलता है, इनसे इनका कितना हौसला बढ़ जाता होगा और कितना कितना प्राउड फील करते होंगे इनके पेरेंट्स आज अपने बच्चों को इस बड़े स्टेज पर, इस मंच पर देख कर. बस हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े सारे अपने अपने फील्ड में अपने अपने जॉनर से कोई ना कोई फिटनेस का एक रिजाइम फॉलो करें, चाहे वो डांस करें, चाहे वो जिम जाएं, चाहे वो सुबह मॉर्निंग वॉक करें या मैराथन में जाके दौड़ें, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए. यही मेरा एक आपको संदेश है. आप अपने फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं? मैं 4 से 5 दिन फिटनेस, मेरा पर्सनल ट्रेनर आता है, मैं उसमें वर्कआउट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बाकी 2-3 दिन जो मेरा रेस्ट डे होता है उस दिन कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योगा कर पाऊँ. तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कितना देर जिम में टाइम व्यतीत करना चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं है, हर एक के अपने अपने गोल्स होते हैं, हर एक का अपना स्टाइल होता है, कोई परफेक्ट ऐसा कुछ रिजाइम या कोई नियम नहीं है. लेकिन हाँ, जो सीरियस हैं वो बिल्कुल नियम का पालन करेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे. और जो जनरल फिटनेस रखना चाहते हैं उनके लिए डांस, जनरल फिटनेस, सुबह मॉर्निंग वॉक करना या योगा करना, कुछ भी हो वो करते रहें, यही काफ़ी है. ओवरऑल आपने जो इस कंसेप्ट को सपोर्टेड किया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? बस हमारा ब्रांड फिट एक्सपो इस साल दिसंबर 1-2-3 को आ रहा है मिलन मेला में, और हम चाहेंगे कि कलकत्ता वासी नहीं, सारे भारतवासी आकर के इस शो को देखें. इस बार हमारा फिट एक्सपो इंडिया का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है और उसमें छोटे से बड़े सारे लोग अपने फिटनेस, अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए आएंगे. आप लोग सब आइएगा एंड वी विल हैव सम गुड 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 फन. गगन सचदेव, कन्वेनर फाउंडर द फिट एक्सपो. थैंक यू वेरी मच गोकुल. आपको कैसा लगा, बच्चों का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा कि सबका परफॉर्मेंस बढ़िया? सबका बहुत बढ़िया. थैंक यू कोकल, थैंक यू वेरी मच. मेरे को बहुत मतलब खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आज 24-25 साल से ये लोग कर रही हैं और बहुत मेहनत से लोग आगे बढ़ी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को मतलब से. आज जो आपको लोग पहचानते हैं सांगवी की मॉम बोलते हैं कि आपके अपने पहचानते नहीं, सांगवी की मॉम भी बोलती हैं और मेरे पहचान भी है. मतलब बच्चे लोग आगे बढ़ाए हैं, हम लोग का सपोर्ट है बच्चे लोग को आगे बढ़ाने में. मेरा संतोष देवी भुआल का. नीता और संगीता बहुत स्ट्रगल किया है और माँ बाप के लिए बहुत वो लोग मेहनत करके, उसका नाम से ही हम लोग जाने जाते हैं क्या विनीता संगीता की मम्मी है, इसलिए हम लोग को खूब प्राउड है कि हमारा बच्चा हम लोग को खूब आगे नाम रोशन करे और हमारा नाम भी रोशन करे. आपका नाम? लता. लता मजेठिया. लता की मम्मी. सांगवी डांस जो है क्या हो रहा है? ये हमारा आज का डिकेट शो हो रहा है, डांस शो केस हो रहा है, जिसमें सारे सांगवी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आज अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं. तो ये जो 10th है, इसके पहले भी कहीं कहाँ किए थे आप लोग? कला मंदिर में हम लोग लगातार शो करते रहते हैं, हर 2 साल में हमारा ये शो होता है.
इसमें किस ग्रुप के बच्चे हैं, कितने साल से लेके कितने 3 to 70 years, 3 साल से लेके 70 साल के बच्चे हैं, जो हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। और ये जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसमें कौन सा है, मतलब खाली बॉलीवुड है या हर तरह के डांस? नहीं, इसमें हर तरह के डांस है, हम बहुत सारी थीम को लेके चल रहे हैं। जैसे हमारा एक थीम है आदियोगी, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि योगा कैसे लोगों की लाइफ में आया और शिवा की पावर को हम लोग लेके आ रहे हैं। प्लस हमारा एक एक्ट है गणेशा, जो हमारे एनजीओ के बच्चे किए हैं ज्ञान दीपक से, तो हम चाहते हैं वो बच्चों को भी ये स्टेज मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले। तो ये परफॉर्मेंस के साथ और ये सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं कॉन्सर्ट, इससे क्या कहना चाहते हैं देश को और जनता को? हम ये बोलना चाहते हैं कि चाहे वो 3 साल हो चाहे 70 साल हो, डांस सबके लिए है एंड डांस इज अ थेरेपी। डांस करने से सब बहुत हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, एंड एवरीबॉडी शुड डांस। हम संगीता विनीता संगवी डुओ सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, ऐसी हमारे ऊपर अपना प्यार बरसाते रहे। थैंक यू सो मच।